आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब भी कृषि की या किसानों की बात होती तो एक स्वामीनाथन रिपोर्ट या आयोग के बारे में बात चर्चा में होने लगती है। आखिर क्या कहा था स्वामीनाथन आयोग ने, क्या रिपोर्ट दी थी किसानों को ध्यान में रखते हुए? और अभी आप देख रहे होंगे एक तरह से आंदोलन भी चल रहा है आपका, तो आप लोगों को मुझे लगता है कि इसमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए। सरकार को भी कुछ एक तरह से झुकना चाहिए और किसानों को भी बातचीत का हल, बातचीत के जरिए ही हल हो सकता है। आप लोग देखते होंगे, आप अपने दैनिक जीवनचर्या में भी देखते रहते होंगे, किसी से आपकी लड़ाई होती है, सब कुछ होता है, रिपोर्ट होती है, FIR होती है, जेल काटते हैं, उसके बाद राजीनामा होता है, समझौता होता है। तो इसी तरह हर समस्या का समाधान समझौते से ही होता है, आप समझ रहे हैं। अगर उन्होंने एक बात और याद रखी इसमें, कई लोगों ने कहा है कि MP और बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों के किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखिए कि पंजाब हरियाणा के किसान, एक तरह से आप उन्हें बुंदेलखंड के किसानों से तुलना मत कीजिए। आए दिन आप चर्चा में सुनते रहते हैं कि बुंदेलखंड के किसानों ने सुसाइड कर लिया, इतने किसान मारे गए, आप समझ रहे हैं। और पंजाब के किसानों की हालत बुंदेलखंड के किसानों की हालत की तुलना में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा आपको। पंजाब के किसानों के बच्चे आपको VIP स्कूलों में पढ़ते हुए दिखाई देंगे, VIP कारों से वो घूमेंगे, उनके घर जाओगे तो VIP घर उनके बने हुए हैं, क्योंकि वो खेती को एक बिजनेस की तरह करते हैं, मतलब पूरी मेहनत लगाते हैं। और बुंदेलखंड के किसानों की हालत आप देखते हैं कि उन्होंने बो दिया और हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। किसानों के पास अच्छी जमीन है बुंदेलखंड में, लेकिन खाने के लिए भी नहीं होता है उनके पास। तो इसीलिए आप समझिए कि उनके उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क तो उन्हें पड़ रहा है ना पंजाब हरियाणा के किसानों को। और MSP का मुझे सबसे बढ़िया मुद्दा लगा है कि किसानों ने, कई किसानों का मैं वीडियो सुन रहा था, इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने सीधा सा कहा है कि इस तरह का MSP बना दीजिए, मिनिमम प्राइस सपोर्ट एक तरह से, कि इतने से कम में कोई भी बिचौलिया या फिर सरकार खरीदती है तो उस पर कोई एक तरह से दंड लगेगा, आर्थिक जुर्माना और सजा भी हो सकती है। ये सही भी बात है, क्योंकि आप देखते होंगे कि अभी व्यापारी आते हैं और किसी भी किसान की फसल सस्ते ना के बराबर दामों में खरीद के चले जाते हैं। अगर सरकार आपकी 20 रुपए किलो खरीद रही है तो किसान 15 रुपए, किसान व्यापारी वो 15 रुपए में खरीदते हैं। तो इस तरह का कोई कानून तो होना चाहिए। मेरा भी आप समझिए कि हमारा देश कई राज्यों में, आप 70 से 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके पक्ष में तो एक तरह से मैं भी हूं। देखिए और भी जो एक तरह से कानून आए हुए हैं कई, उसमें आप देखेंगे किसानों के फायदे की भी हैं, फायदे भी हो सकते हैं, और देखिए कई तरह से नुकसान भी हो सकते हैं। आप भी देखते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरह इसका भी है। ठीक है, खैर छोड़िए, आप लोग अध्यादेश के द्वारा पहले आए हुए थे और आप सभी जानते होंगे कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति साहब को एक तरह से शक्ति है कि वो अध्यादेश ला सकते हैं। और राज्यपाल की अगर बात करें तो आप देखते होंगे 213 के तहत राज्यपाल ला सकता है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को 1 माह से अधिक हो गए हैं और अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं हो पाया है। याद रहे कि किसानों की प्रमुख मांगों में बहुचर्चित स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें को लागू किया जाना भी शामिल है। और एक बात याद रखिए आप लोग कि इस तरह के टॉपिक जब भी चर्चा में रहते हैं तो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, फिर चाहे आपका लिखित परीक्षा में हो या फिर प्रारंभिक परीक्षा में हो। ठीक है, एक बात और याद रखिए, मुझे लगता है कि सरकार को सुन लेना चाहिए ऐसी ठंड में। आप समझिए कि कितने कई परिवार पूरे एक तरह से सभी आंदोलन में जुड़े हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे, महिलाएं छोटी, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की सरकार को भी झुकना चाहिए और सरकार को भी अच्छे से बात करना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग के अगर बारे में हम लोग बात करें तो खाद्यान्न की आपूर्ति को भरोसेमंद बनाने और किसानों की आर्थिक हालत को बेहतर करने के उद्देश्य से 2004 में केंद्र सरकार ने M.S. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था। तो याद रखिए ये 2004 की बात है। इस राष्ट्रीय किसान आयोग को ही आम बोलचाल में आप लोग स्वामीनाथन आयोग कह देते हैं। स्वामीनाथन आयोग ने दिसंबर 2004, अगस्त 2005, दिसंबर 2005 और अप्रैल 2006 में क्रमशः 4 रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद राष्ट्रीय किसान आयोग ने 4 अक्टूबर 2006 को अपनी 5वीं और अंतिम रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई थी उन्हें अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। आप समझिए इतना बर्बाद करते हैं पैसे, आपने देखा होगा दूसरे क्षेत्रों में,
वो किसानों को आप लोग एक तरह से सुविधा नहीं देते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग समझिए कि आपकी थाली में जो रोटी है वो किसानों की देन है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान, और लॉकडाउन में भी आपने देखा है कि अगर हमारी एक तरह से नैया पार लगाई है तो किसानों ने, खेती ने लगाई है, समझ रहे हैं आप लोग, कृषि के क्षेत्र ने लगाई हुई है, बाकी सब ठप पड़े हुए थे। और आप देखेंगे किसान का एक बेटा खेत में मिलेगा और एक आपको बॉर्डर पर मिलेगा, तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि थोड़ा समझौता होना चाहिए। सभी को इसमें क्या कहा गया था, इसमें स्वामीनाथन आयोग ने, सभी को सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाना जिससे कि देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, देश में कृषि की उत्पादकता लाभप्रदता में वृद्धि करना, सभी किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाना, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों, पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में किसानों के लिए विशेष कार्यक्रमों का सुझाव, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और लागत को कम करने के उपाय सुझाना ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए उपाय सुझाना, एक क्या कहा था उसने, विचार करने के लिए एक तरह से कहा था स्वामीनाथन आयोग ने। एक बात और आपको बताऊं, आपके किसान की आप तुलना अमेरिका के किसान से नहीं कर सकते, जमीन आसमान को यहाँ भी आपको फर्क दिखाई देगा, जिस तरह का बुंदेलखंड के और पंजाब के किसानों में फर्क दिखाई दे रहा है, इसी तरह आप समझ रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की प्रमुख सिफारिश की बात करें तो भूमि सुधार, आजादी के समय से ही देश में भूमि का आवंटन बहुत असमान है था, देश में गरीबी स्तर के 50% लोगों के पास कुल भूमि का केवल 3% हिस्सा था, जबकि ऊपर के 10% अमीरों का देश की 54% भूमि पर अधिकार था। कहने का सीधा सा मतलब है, आप समझिए कि 50% लोग, यानी कि 100 लोगों में से 50% लोगों के पास 3% हिस्सा है कुल भूमि का, और जबकि जो 10 लोग हैं उनके पास 54% भूमि का, इतना असमानता है, आप समझ रहे हैं इनके बीच। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भूमि सुधारों को बढ़ाने पर जोर दिया गया और रिपोर्ट में कहा गया है कि अतिरिक्त और बेकार जमीन को भूमिहीनों में बांटने के साथ आदिवासी क्षेत्रों में पशु चराने का हक दिया जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आजादी के पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, आप समझिए जिनके पास शक्ति है उन्हीं के पास जमीन हुआ करती थी, गरीब से छुड़ा लेते थे, उस समय इतना न्याय की व्यवस्था नहीं थी, आप समझ रहे हैं कि आप, आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया तो आप रिपोर्ट लिखवाने जाए, FIR करवाने जाए, तो बड़े बड़े आपने देखा होगा जमींदार हैं, उनके पास बहुत जमीन हुआ करती थी, और अभी भी उन्हीं का परिवार है तो उन्हीं के पास है। सिंचाई सुधार की बात करें तो भारत में कुल बुआई योग्य भूमि लगभग 192 मिलियन हेक्टर का लगभग 60% भाग अभी भी सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करता है। पूरे भारत में अभी भी लगभग 35% भूमि के लिए नियमित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बुंदेलखंड बघेलखंड में आप लोग जाइए, यहाँ आप समझिए कि बरसात ही नहीं होती है, कई सालों खेत सूखे पड़े रहते हैं, बुंदेलखंड की तो स्थिति मैंने देखी है, आप समझ रहे हैं, वहां कोई इतनी सिंचाई की सुविधा नहीं है कि वो अपने किसान अच्छे से फसल उगा सके। आयोग ने सलाह दी थी कि सिंचाई के पानी की उपलब्धता सभी किसानों के पास होनी चाहिए, इसके साथ ही पानी की आपूर्ति और वर्षा जल के संचय पर भी जोर दिया जाना चाहिए। आयोग ने पानी के स्तर को सुधारने पर जोर देने के साथ ही कुआ शोध कार्यक्रम शुरू करने की बात कही थी। इसके अलावा मिलियन वेल्स रिचार्ज स्कीम को निजी क्षेत्र के माध्यम से विकसित करने की सिफारिश आयोग ने की थी। आप लोग देखते होंगे कि सरपंच कुआ खुदवाते हैं, कई लोगों के आपने देखा होगा गांव की तरफ, वो इसी के लिए था कि सबके पास पानी की सुविधा हो और सब अपनी खेती कर सके, किसानी कर सके, एक तरह से समझ रहे हैं आप लोग, यही था। और एक बात और याद रखिए आप लोग, किसान जब एक तरह से आप समझिए कि जब शक्तिशाली हो गए, हर समाज शक्तिशाली होगा तभी देश शक्तिशाली होगा, एक किसी खास समूह को आप लोग शक्तिशाली करके कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। आप लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करिए, खाद्यान्न की कितनी कमी थी उस समय, अमेरिका आप समझिए हर समय दबाव डालता रहता था, लेकिन उन्होंने जय जवान जय किसान नारा दिया, आप समझिए उन्होंने खुद खेती की ओर पूरा पूरी तरह से ध्यान दिया, तब जाकर हम लोग आत्मनिर्भर बने हुए थे, समझ रहे हैं आप लोग। तो एक समय वही तो सोचता हूँ कि वो प्रधानमंत्री थे, उनकी बायोग्राफी भी हम लोगों ने कवर की हुई है कि एक गाड़ी खरीदते हैं तो उसका आप समझिए कि पूरा ऋण, मतलब जितने गाड़ी जिस पैसे पे लेते हैं वो अपने जिंदा रहते हुए उसे भी नहीं चुका पाते हैं, उनके मरने के बाद उनकी जो भी गाड़ी की कीमत होती है बची होती है उसे माफ कर दिया जाता है। आज के समय में आप देखिए, आज अगर सरपंच बन जाता है तो वो एक फॉर्चूनर खरीद लेता है, आप समझ रहे हैं,
तो उस समय के नेताओं में और इस समय के नेताओं की ईमानदारी में आप समझ सकते हैं कि कितना फर्क है। और आप सोचिए उस समय के अगर नेताओं जैसे आज भी नेता होते तो हम अमेरिका और चीन को बहुत पहले छोड़ चुके होते, समझ रहे हैं आप लोग, हम लोग बहुत आगे निकल चुके होते। खैर छोड़िए, क्या कर सकते हैं हम लोग, हम ही तो चुन रहे हैं उन्हें। कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर भी दिया था इस रिपोर्ट ने। भारत में प्रति हेक्टर उत्पादकता विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ के किसानों की हालत क्या है और विदेशों के किसानों की हालत क्या है। भारत में धान की प्रति हेक्टर उत्पादन औसतन 30 क्विंटल हेक्टर है, जबकि जापान में ये आप देखेंगे 64 क्विंटल प्रति हेक्टर है। आपको यहाँ अंतर समझ में दिखाई दे रहा होगा। दक्षिण अफ्रीका में बात करें तो 66 क्विंटल हेक्टर, आप दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा हूं मैं, आप समझ रहे हैं कि एक गरीब, मतलब एक तरह से आप समझिए कि हमसे कई सालों बाद आजाद हुआ, वो भी हमसे आगे है। चीन की बात करें तो 63 क्विंटल प्रति हेक्टर, चीन भी हमसे आगे है। इसी प्रकार भारत में मक्के की उत्पादकता 16.6 क्विंटल प्रति हेक्टर है, जबकि ये चीन में आप देखेंगे तो 48.8 क्विंटल हेक्टर है। दक्षिण अफ्रीका में बात करें तो 84.84 क्विंटल हेक्टर है। आप लोगों को यह फर्क दिखाई दे रहा होगा। कई इंडेक्स आते हैं जिसमें चाइना हमसे आगे है, आप समझ रहे हैं। और जीडीपी के मामले में आप लोग देख लीजिए, ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में नंबर वन पर पहुंच जाएगा कौन, चाइना, जीडीपी के मामले में। तो यह हकीकत है, अगर आप कोई कहे इस तरह की बात कह दे तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। लेकिन वही कहावत है, एक बड़ा अच्छा रावण ने, रावण और कुंभकर्ण आपने देखा होगा अगर रामायण, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने लॉकडाउन में सभी कुछ देखा है, उसमें रामायण में एक एक पार्ट देखा हुआ है बड़े ध्यान से। तो उसमें कुंभकर्ण कहता है कि वो महाराज आंख बंद करने से सूर का लोप नहीं हो जाता है। कहने का मतलब है कि आंख हम लोग बंद कर लें या कोई समस्या है उससे पीछा छुड़ा लें, ये संभव भी नहीं है, हमें डट के सामना करना होगा तभी उसका समाधान कर सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। ठीक है, आयोग की सिफारिश है कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही आयोग ने कहा था कि कृषि से जुड़े कार्यों जैसे सिंचाई, जल निकासी, भूमि सुधार, जल संरक्षण और सड़कों एवं कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ शोध से जुड़े कार्यों में जन सहभागिता को बढ़ाए जाने की जरूरत भी है। किसानों के लिए सस्ता कर्ज यानी कि जो ऋण लेते हैं उनकी बात की गई थी। अभी आप देखते होंगे अधिकतर किसान क्या करते हैं, साहूकार से ऋण लेते हैं। आपने देखा होगा शादी का माहौल है, कोई त्योहार है या बुआई का टाइम है तो खाद बीज के लिए साहूकार से ऋण लेते हैं। अब देखा होगा आपने कि साहूकार इतना हाई ब्याज लेता है उस पर, आप समझिए कि वो जिंदगी भर उसी में बीते रहते हैं वो किसान। अगर आप सोचिए बैंक उन्हें सस्ता ऋण दे, आसानी से ऋण मिल जाए, तो किसानों की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। आपने देखा होगा किसान क्रेडिट कार्ड, काफी अच्छी बात है, सभी, मैं तो कहता हूँ सभी किसानों को ये सुविधा मिलने चाहिए। ऋण किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है, इसलिए सरकार द्वारा किसानों को समय पर जरूरत के हिसाब से ऋण देने की सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में आयोग ने कहा कि फसल ऋण के लिए 4% की आसान दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कृषि ऋण की गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंच सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा लगातार प्राकृतिक आपदाओं के बाद किसानों को राहत राहत प्रदान करने के लिए कृषि जोखिम कोष स्थापित किया जाना चाहिए। आपदाओं के दौरान किसानों को ऋण वसूली में छूट और सरकार की ओर से ऋण पर ब्याज की छूट की सुविधा दी जानी चाहिए। आप समझिए कि विजय माल्या, नीरव मोदी, कई आप देखते होंगे कि हजारों करोड़ करोड़ लेके भाग चुके हैं। आप समझिए, अगर किसानों के लिए छोटा मोटा अगर अच्छी तरह से आप कह देते हैं सुविधा, तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आप सोचिए कि अर्थव्यवस्था हमारी जीडीपी में भी सहभागी है, आप समझ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कोई किसान आपको ऐसा मिले जो बैठ के खाना पसंद करता होगा, बहुत मेहनत करता है, उसे हराम का खाना पसंद भी नहीं है किसान को, आप समझ रहे हैं। बस उसे इस तरह की सुविधाएं दे देनी चाहिए कि वो काफी अपने आप को सुरक्षित महसूस समझे। ठीक है, किसानों की आत्महत्या की रोकथाम, किसानों की आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाओं को ठीक किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्राथमिकता के आधार पर उन इलाकों में और सक्रिय रूप से लागू किया जाना चाहिए जिन इलाकों में किसान आत्महत्या की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। किसानों की समस्याओं को ठीक से समझने के लिए राज्य स्तरीय किसान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।
जिसमें किसानों के भी शामिल किया जाना चाहिए, किसानों को भी उसमें शामिल होना चाहिए। किसानों की को कृषि के अलावा अन्य साधनों जैसे पशुपालन इत्यादि के द्वारा धन अर्जन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन और स्वास्थ्य बीमा के प्रावधान ठीक से लागू किए जाने चाहिए ताकि किसानों में सामाजिक असुरक्षा की भावना पैदा ना हो सके और वो सुरक्षित रहें। एक और काम कर सकते हैं, अगर आपके पिताजी आपका परिवार खेती किसानी करता है तो आप समझिए कि आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में खेती हो रही है तो आप लोग दो चार पशु भी रख सकते हैं, भैंस गाय रख सकते हैं, उसी में आप लोग मुर्गी पालन भी करवा सकते हैं, भेड़ पालन करवा सकते हैं, सुअर पालन करवा सकते हैं। आपको सुनने में शायद ये गलत लग रहा होगा लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपकी फसल किसी कारण बर्बाद हो जाती है तो कम से कम आपके पास दूसरा और रास्ता तो बचेगा। और मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है पहली बार अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो गांव वाले या आपके परिवार वाले या आपका कोई कह सकता है कि क्या कर रहे हो, लेकिन हकीकत यही रखिए कि पैसा आना शुरू होगा तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तो आपके परिवार में अगर कोई कर रहा है तो आप लोग उन्हें सलाह इसी तरह की दीजिए, ठीक है। फिर अब बात करते हैं जैव संसाधनों को विकसित करना। भारत में ग्रामीण लोग अपने पोषण और आजीविका सुरक्षा के लिए जैव संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला पर निर्भर करते हैं, इसलिए आयोग ने इस दिशा में सुधार करने की कई सिफारिशें की। आयोग के अनुसार जैव विविधता तक पहुंच के पारंपरिक अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए जिसमें गैर काष्ठीय वन उत्पादों तक पहुंच के साथ औषधीय पौधों, तेल पैदा करने वाले पौधों और लाभकारी सूक्ष्म जीव शामिल है। ब्रीडिंग के माध्यम से खेती के लिए उन्नत जानवर पैदा करना, साथ ही मछली पालन और मधुमक्खी पालन जैसी कृषि संबंधित क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आप भी कर सकते हैं, मछली पालन और मधुमक्खी पालन में कोई ज्यादा खर्च भी नहीं है और आप आराम से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की, और इस पर मैं भी सहमत हूं। देखिए मैं भी किसानों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं इस बात पर। आयोग ने उत्पादन लागत से 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश की थी। इस संदर्भ में आयोग ने कहा है कि फसल उत्पादन मूल्य से 50% ज्यादा दाम किसानों को दिया जाना चाहिए। इतनी मेहनत करते हैं तो मुझे तो लगता है कि मिलना चाहिए। किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज कम दामों में मुहैया कराए जाने चाहिए। गांव में किसानों की मदद के लिए विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल बनाए जाने चाहिए। इस तरह की सुविधा हो जाए तो हमारा देश का किसान बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। फिर आपका वित्त और बीमा, महिला किसानों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने चाहिए। किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाना चाहिए ताकि प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों की मदद की जा सके। फिर आप देखेंगे रोजगार, भारत में धीरे धीरे कार्यबल में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है। 1961 में कुल कार्यबल का 75.9% कृषि क्षेत्र में सम्मिलित था जबकि 1999 से 2000 में यह संख्या घटकर 59.9 हो गई। हालांकि कृषि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आप समझिए एक किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहेगा, नेता का बच्चा नेता जरूर बनना चाहेगा। आपने देखा होगा जब भी आप पढ़ते नहीं है कभी आपने देखा होगा रिजल्ट खराब है तो आपके घर वाले कहते भी होंगे कि बेटा पढ़ लो वरना मेरे जैसी किसानी करनी पड़ेगी। उनका कहने का मतलब आप समझिए किसानों की हालत सबसे बुरी हुई है, गिरी हुई है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि पढ़ लो, ठीक है। भारत में समग्र रोजगार रणनीति के दो चीजें आवश्यक हैं, उत्पादक रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और रोजगार की गुणवत्ता में सुधार करना, जैसे कि वास्तविक उत्पादकता में सुधार के साथ मजदूरी में वृद्धि। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास, श्रम गहन क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत अधिक जोर देना और इन क्षेत्रों में के तीव्र विकास पर जोर, श्रम मानकों को कम किया किए बिना ही श्रम बाजारों के कामकाज में सुधार की, श्रम कानूनों में आवश्यक सुधार किया जाना और व्यापार स्थान परिवहन निर्माण मरम्मत अन्य सेवाओं जैसे विशेष क्षेत्रों और उप क्षेत्रों को विकसित करके गैर कृषि रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। किसानों को नेट टेक होम इनकम को सिविल से सेवकों आय के बराबर लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो यही कहानी है आपके स्वामीनाथन आयोग की, जिसे आप लोग सामान्य तौर पर स्वामीनाथन रिपोर्ट भी कह देते हैं। और इसके बारे में आप लोग याद रखिए, आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर भारत देश में रह रहे हैं तो मुझे लगता है इसके बारे में मालूम होना चाहिए। आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यही कहानी है।